मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक है कार्तिकेय, जिससे आप पहले भी परिचित हो चुके हैं। आइए आज हम इसके दूसरे अध्याय अपमान जो मुझे निभाया इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है और बताया है कि कैसे उनके साथ जीवन में क्या घटना घटित हुई। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता एक सरकारी वकील थे और उन्हें समाज में बहुत सम्मान मिलता था और उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्र सुभाष चंद्र बोस भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ें और उनकी तरह ही ढेरों नाम कमाएं। सुभाष चंद्र बोस का उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में नामांकन करा दिया। उस अंग्रेजी स्कूल में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन भारतीय विद्यार्थी जो थे उनके साथ अंग्रेज विद्यार्थी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये सुभाष चंद्र जी को अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके किसी साथी को अंग्रेज विद्यार्थी ने मार दिया, बहुत पिटाई कर दी, तो उन्होंने उनके मन में बदला लेने की भावना आ गई। उन्होंने छुट्टी में पैर लगाकर उस अंग्रेज विद्यार्थी को गिरा दिया और उससे कहा कि तुम कभी भी भारतीयों से मत उलझना, और घर आकर अपने पिताजी को कहा कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, आप किसी स्वदेशी स्कूल में मेरा नामांकन करवा दीजिए। लेकिन उनके पिताजी बार बार उन्हें डांट देते, वो चाहते थे कि वो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़े। लेकिन जब उनके पिता ने देखा कि उनका मन अब यहाँ नहीं लग रहा, तो उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली और उनका स्कूल और चेंज करवा दिया, यानी बदलवा दिया, और एक स्वदेशी स्कूल में उनका नामांकन करा दिया। अब इस स्कूल में उन्हें भाषा की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उसमें वो अंग्रेजी पढ़ते थे, यहाँ बांग्ला भाषा में पढ़ाई होने लगी। एक बार कक्षा में अध्यापक ने निबंध लिखने के लिए दिया, लेकिन सुभाष जी के पास भाषा की प्रॉब्लम थी। उन्होंने निबंध तो लिखा, लेकिन भाषाएं अटपटी थी। जब उनके निबंध को कक्षा में अध्यापक ने सुनाया तो सारे बच्चे हंसने लगे, तो उनको ये अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अब मैं भी इस भाषा पर अपने विजय प्राप्त करूंगा। उन्होंने दिल लगाकर रात दिन मेहनत करके और इस भाषा को अपना लिया और वार्षिक परीक्षा में अव्वल अंक प्राप्त किया। और सुभाष चंद्र बोस जी स्वभाव से बहुत परोपकारी थे। उनके एक साथी को चेचक हो गया, उन्होंने उसकी इतनी बहुत सेवा की, इतनी सेवा की कि वो बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो गया। जबकि उनके पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि चेचक जो होती है वो छूत की बीमारी होती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, पिताजी अगर मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा, कैसे हमारा साथी जल्दी ठीक होगा। उसी तरह कहीं किसी मोहल्ले में आग लग गई तो भी सुभाष चंद्र बोस जी अपने सभी साथियों के साथ वहां मदद करने के लिए तत्पर हो गए। इस तरह हम देखते हैं सुभाष जी स्वभाव से ही बहुत परोपकारी थे और अपने देश के लिए तन मन धन से तैयार रहते थे। उनके पिता ने विलायत भी उन्हें पढ़ाई के लिए भेज दिया, वहां भी उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने देश में ही रहूंगा और अपने देश की ही सेवा करूंगा। तो बच्चों, उनकी जीवनी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने तन मन धन से देश की सेवा में तत्पर रहना चाहिए और सुभाष चंद्र बोस की तरह परोपकारी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में आपको अगला अध्याय पढ़ाऊंगी, लेकिन इस अपमान जो मुझे निभाया इस पाठ का एक्सरसाइज आपको बुक में भी कंप्लीट करना है और नोटबुक में भी कंप्लीट करना है। यही आपका होमवर्क है। और धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।